दोस्तों सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा और ये बिल्कुल 100% वर्क करेंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि आप फेल तो नहीं होने वाले हैं। और अगर आपने ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा भी अगर एक बार याद कर लिया तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कि आप शायद सोच आपने उतना एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पेपर में लिखना कैसे है। भले ही आपको पेपर ना आता हो तो यहाँ पर लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, और ये इतना ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जो आपको मान के चलिए कुछ भी लिखना है पेपर में, पर जो एग्जामिनर है वो आपका एग्जाम शीट पढ़ के ही वो देखता है और वो पहली कुछ लाइनों में जज करता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पर आपको पहली कुछ लाइनों में लिखना क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा और कहाँ से आपको आइडिया आएगा, तो इसीलिए ये वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही आगे आने वाली मेरी वीडियोज़ आप तक तो मिलती रहें, और बेल आइकन को भी दबा लेना अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी तो बेल आइकन को भी दबा लेना और एक वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर पेपर में लिखने की, तो पेपर आपको जो मिल जाता है उसके बाद आपको उसमें मैं आपको अभी कुछ टॉपर्स के नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको आंसर शीट उनकी, तो आपको वो आंसर शीट देखनी है टॉपर्स की भी कि उन्होंने ऐसा क्या करा था कि उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं। उनके मतलब 500 में से 499 मार्क्स आए हैं, तो ऐसा कैसे हुआ, उन्होंने किस स्टाइल में लिखा है। यहाँ पर हैंडराइटिंग आपकी अगर बहुत ज़्यादा गंदी है तो मैं नहीं कह सकता, अगर आप नॉर्मल हैंडराइटिंग में आपकी है और आप लिखते हैं तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप पेपर में खुला खुला लिखते हैं, पेपर में आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा एक ही में चिपका के बिना लाइन छोड़े नहीं लिखना है, आपको लाइनें भरनी हैं खुले खुले आंसर में। पर अब आप ये भी मत करना कि एक लाइन में दो या तीन शब्द ही लिख दिए, इतना खुला खुला लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ लाइनें खाली कर रहा है, और क्योंकि एग्जामिनर दोस्तों आपने एक शीट लिखी है और वो एग्जामिनर जिस बीच में वो शीटें चेक करेगा उस समय वो कम से कम हजारों शीट देखता है, तो उसको इतना ज़्यादा आइडिया हो जाता है इतने सारे बच्चों की शीट्स देख के कि वो एक ही कुछ ही सेकंड्स में आपका 10 से 15 सेकंड में ही आपको जज कर लेगा वो, और वो समझ लेगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसको कुछ आता है, नॉलेज है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धू बना के नंबर लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अच्छे खासे मान के चलिए कि आपको कुछ आपने शब्द लिखे हैं उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दिया आपने, उसके बाद फिर एक वर्ड लिखा, फिर थोड़ा सा गैप, इस तरीके से खुला खुला, और जितना ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको बस खुला खुला लिखिए ताकि वो इसमें एकदम खिचड़ी बनी हुई ना दिखे और वो फिर पहले उसका पढ़ने का मन ना करे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फिर वो होता है कि छोड़ो यार, तो उसमें फिर आपका नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो वहाँ पर आपका डाउटफुल में चला जाता है और फिर उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो नंबर काट ही लेगा उसके। तो इसलिए खुला खुला लिखना है, और अगले बार जब आपको दोस्तों आपका एक आंसर हो जाता है फिर आपको सेकंड आंसर जो है, कई बार आप करते हैं कि उसके नीचे से ही लिखना शुरू कर दिया, आंसर नंबर डाला और शुरू, तो उसमें आपको प्रॉपर एक लाइन का गैप देना ही चाहिए, और अगर आप चाहें तो दो लाइन का भी गैप दे दीजिए, और उसके बाद वहाँ पर दोस्तों आपको लिखना शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर आपको मान के चलिए जैसे कि 150 से 200 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड्स, या फिर 120 से 100 वर्ड्स, इस तरीके से जब भी आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को मैक्सिमम 120 तक कम से कम जाना ही जाना है, वहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर आपका 100 से 120 वर्ड है तो आप 100 वर्ड भी लिख सकते हैं वहाँ पर, और उसको आपको नंबर देने पड़ेंगे, बशर्ते आपको क्या करना है उन 100 वर्ड्स में इतना अच्छा अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है कि बस वो देखते ही समझ जाए। और सबसे ज़्यादा ये मेहनत आपको दोस्तों कहाँ पर करनी है, ये मेहनत आपको करनी है अपने शुरुआती आंसर्स में, जो आप पहले पन्ने पर आंसर लिख रहे हैं, दूसरे पन्ने पर आंसर लिख रहे हैं, वो आंसर आपको इतना टिप टॉप लिखना है, इतना मस्त लिख देना है कि वो पढ़े तो वो उसमें गलती निकाल ही ना पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर हमें पूरी छूट होती है, आप कहीं से भी करिए, चाहे पेपर आगे से करिए, चाहे पेपर पीछे से करिए, कहीं से भी करिए, उसके लिए वहाँ पर वो आपके उसके लिए वो दोस्तों आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा।
वो आपके नंबर नहीं काट सकता है। तो आप पूरा पेपर पढ़ लीजिए, 15 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, तो पढ़ लीजिए और उसमें कुछ ऐसे 2-3-4 क्वेश्चनों पे टिक लगाइए जो आपको इतना अच्छे से आते हैं कि मतलब आप डिट्टो छाप सकते हैं। तो उनको आप लिखिए पहले, उन आंसर्स को अगर आप पहले करेंगे तो आपका जो दोस्तों इम्प्रेशन है एग्जामिनर पे वो इतना अच्छा जाएगा कि ये बच्चा काफ़ी समझदार है, इस बच्चे को काफ़ी आता है, वो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन पे अपना जो समय है वो कम वेस्ट करेगा। क्योंकि एग्जामिनर को क्या है कि आपकी जो इतनी सी शीट है ना, उसको इतनी सारी शीट्स वहाँ पर चेक करनी होती हैं और उसके मिलते हैं उस एग्जामिनर को पैसे पर शीट के, उसके कुछ पैसे होते हैं जो भी 10-20-30 रुपए होंगे, वो मेरे को कन्फर्म नहीं है, पर वहां पर उसको उस चीज के पैसे मिलते हैं। फिर दिन भर उसके पास यही काम नहीं है, उसको स्कूल भी जाना होता है। स्कूल जाने के बाद वो लोग या तो स्कूल से फिर लीव लेके जाते हैं स्कूल से ही, और फिर बाद में उसको वहां पर जाके पेपर चेक करने होते हैं, फिर उसको घर भी जाना होता है। तो इसलिए वो जल्द से जल्द आपके जो पेपर्स हैं उनको चेक करना चाहता है। तो इसलिए वहां पर उसके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि वो आपकी शीट को ही पढ़ता रहेगा। तो आपको बस उसी चीज़ का फायदा उठाना है। इसलिए आपको जब आपने पहले और दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने को इतना ज़्यादा सुंदर, अच्छा और सही लिखा है, तो वो आपको वहाँ पर सोचेगा कि इस बच्चे को आता है, तो वो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम ना देते हुए और उनको बस पढ़ेगा थोड़ा सा और आपको नंबर दे देगा। इसलिए आपको अपनी शुरुआती 3 लाइनों में और एंड की 2 लाइनों में मेहनत ज़रूर करनी है बड़े आंसर्स पे। और जो छोटे आंसर होते हैं दोस्तों उनका तो मैंने बता ही रखा है कि वो आंसर्स पे आपके तो बिल्कुल सही लिखने पे ही नंबर मिलते हैं, 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं लिखने को। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है वही आपको लिखना होता है 1 से 2 लाइनों में, तो वो तो आपको वही चीज़ लिखनी पड़ेगी, उसमें आप घुमा फिरा नहीं सकते हैं। पर इसमें आप चाहे तो महाभारत लिख दीजिए बीच में, पर अगर आपका शुरुआती सही है तो आपके बीच वाले क्वेश्चन जब होंगे दोस्तों 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उनमें आपको नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और ये चीज़ आप जब पेपर दे के आएंगे तब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपके नंबर इतने आए हैं और आपको पेपर ज़्यादा नहीं आता था। ये चीज़ एग्जामिनर कभी, क्योंकि उन्हें भी पता है उनके हाथ से अगर आपको ज़्यादा नंबर चले भी जाते हैं, वो इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं दे रहे हैं कि वो किसी दूसरे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दें। आपको वो अगर पास कर देता है मान के चलिए, और आप वहाँ पर आपने इतना भी नहीं पढ़ा था कि आप पास हो पाएँ, पर आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार थे और जिनसे आप शायद पास ना हो पाते, पर ये ट्रिक्स अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप पास ही नहीं होंगे, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आप पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो अगर आपने करा तो डेफिनेटली आपके इतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे कि आपने उसकी कल्पना भी ना करी हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और कुछ इसी तरीके से आपको अपना आंसर शीट लिखना है। साथ ही में मेरे चैनल पे कुछ और वीडियोस भी हैं और उन्हें भी आप देख लेना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दो। और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्त जो हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें भी पता चले कि उन्हें अपना पेपर कैसे लिखना है और वो क्या करें जिससे उनके भी मार्क्स ज़्यादा आएँ। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना और लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं कराया, और कोई डाउट हो या कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।